आज आपको बताने वाला हूं एक नए वीडियो के बारे में। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आज थ्रूपुट, व्हाट इज थ्रूपुट, थ्रूपुट क्या होता है या टर्निंग थ्रूपुट क्या होता है, ठीक है। इसके साथ ही मैं इसके कुछ और कंपोनेंट्स भी आपको क्लियर करूंगा, जैसे ट्रेनिंग डेज। ट्रेनिंग डेज दोस्तों आपने सुना होगा, ट्रेनिंग डेज क्या होता है, ट्रेनिंग स्टिपेंड क्या होता है, आपने सुना होगा ट्रेनिंग स्टिपेंड अमाउंट। जब कभी हम ट्रेनिंग लेते हैं तो वहां पे आपको जो एक नॉमिनल अमाउंट होता है वो आपको पेड किया जाता है, ना कि कंप्लीट अमाउंट जो आपकी सैलरी का होता है जब तक कि आपके ट्रेनिंग के डेज होते हैं। तो इस वीडियो के बारे में जो एक वीडियो है ये ज्यादातर यूज होता है ट्रेनिंग थ्रूपुट, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में या क्वालिटी डिपार्टमेंट में इसको यूज किया जाता है, ऑपरेशन वाले इसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। एचआर, ऑपरेशन, ट्रेनिंग, क्वालिटी, इन सब से रिलेटेड ये वीडियो है। अगर आप किसी ई कॉमर्स सेक्टर या फिर आप किसी बीपीओ के पीओ में अगर आपका काम कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत बेहतर वीडियो है, ठीक है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ट्रेनिंग थ्रूपुट की ये वीडियो, ठीक है। इससे पहले दोस्तों रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपको बहुत सारी और वीडियोस जो आपकी लर्निंग में बहुत हेल्पफुल होंगी इस तरह की वीडियोस हम आपको देते रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मैं बात करता हूं ट्रेनिंग थ्रूपुट। तो अगर मैं पहले कॉमन शब्दों में अगर थ्रूपुट की बात करूं तो थ्रूपुट का मतलब क्या होता है, अगर सादा शब्दों में बात करूं तो थ्रूपुट का मतलब होता है द रेट ऑफ ट्रांसफरिंग द डेटा, मतलब कि डेटा ट्रांसफर की दर, ओके। तो अब यहां पे ट्रेनिंग थ्रूपुट का मतलब होता है कि जैसे सपोज अगर आपने कोई भी एक बैच लगा है, सपोज आप किसी भी कंपनी में अगर काम कर रहे हैं तो आप 10 लोगों का या 20 लोगों का ट्रेनर एक साथ ट्रेनिंग देता है, जो ट्रेनिंग एक साथ ट्रेनर देता है वो ट्रेनिंग में मान लीजिए 20 बच्चे हैं, ठीक है। तो 20 बच्चे जो ट्रेनिंग दिए हैं उस 20 बच्चों में से कितने लोग सर्टिफाइड होके पास होके, ठीक है, जो फ्लोर पे प्रोडक्शन के लिए चले गए हैं, उसके ये सब जो कैलकुलेशन होता है, ये जो इसकी थ्योरी है वही ट्रेनिंग थ्रूपुट कहलाता है दोस्तों, ठीक है। तो मैं बताता हूं, आप बने रहिए मेरे साथ, ठीक है, देखिएगा। तो यहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है व्हाट इज ट्रेनिंग थ्रूपुट, ठीक है। तो व्हाट इज ट्रेनिंग थ्रूपुट, इट इज ए पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर ट्रेनिंग टीम, ओके। अगर आपसे कभी भी इंटरव्यू में पूछा जाता है व्हाट इज ट्रेनिंग थ्रूपुट, टेल मी अबाउट थ्रूपुट, ट्रेनिंग थ्रूपुट, सो आपको कहना है इट इज अ पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर ट्रेनिंग टीम, इट इज कैलकुलेटेड ऑन बेसिस ऑफ ट्रेनिंग डेज अकॉर्डिंग टू प्रोसेस टू प्रोसेस एज पर कंपनी नॉर्म्स, ठीक है। ये प्रोसेस टू प्रोसेस या कंपनी टू कंपनी ये वेरी करता है, ठीक है। किसी कंपनी में 3 डेज पे कैलकुलेट करते हैं, किसी कंपनी में 2 डेज पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ एच आर टीम हैंडेड ओवर 20 रिसोर्सेज टू ट्रेनिंग, ओके, ऑन थर्ड डेट वॉज 20 बट ओनली 19 रिसोर्सेज पर सर्टिफाइड टू गो लाइव फॉर प्रोडक्शन, इट मीन्स 95% थ्रूपुट, ओके। मतलब कहने का यह है कि अगर एचआर टीम ने 20 लोगों को हायर करके 20 लोगों को सिलेक्ट करके एक ट्रेनिंग टीम को या ट्रेनर के लिए हैंड ओवर किया और ट्रेनिंग टीम ने जब अटेंडेंस लिया तो डे 1 पे 20 लोग थे, डे 2 पे 20 थे, डे 3 पे 20 थे, ठीक है। तो उससे यहाँ पे डे 3 का मतलब है, तीसरे दिन का मतलब है कि इस कंपनी में डे 3 से कैलकुलेट किया जाता है थ्रूपुट, ठीक है। तो किसी कंपनी में डे 2 से भी कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे डे 3 लिखा, ठीक है, तो डोंट बी कंफ्यूज। तो यहाँ पे 20 लोग थे लेकिन जब सर्टिफाइड हुए तो फिर 90 रिसोर्सेस ही हुए, मतलब एक कोई कैंडिडेट हमारा ऐसा है जो कि सर्टिफाइड नहीं हो पाया है। तो उस समय हम जो कैलकुलेट करेंगे थ्रूपुट वो वही होगा कि हमने 90 हमारे रह गए 19 और टोटल 20 थे, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आप देखिएगा कि फिर ये 95% स्कोर ही आएंगे, ठीक है। मैं आपके सामने अगर करके भी दिखाता हूं तो 19 डिवाइडेड बाय 20, इसको परसेंटेज में आप कन्वर्ट कीजिएगा तो ये 95 ही आएगा, ठीक है। तो ये है ट्रेनिंग थ्रूपुट,
ठीक है। अभी और भी मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ, आगे कैलकुलेशन भी मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। जैसे कि ये मैंने यहाँ पे 10 रिसोर्सेज का एक टेबल लिया है, ठीक है दोस्तों। ये 10 रिसोर्सेज वो हैं जो एचआर टीम ने हायर किए हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं इसमें है एम्प्लॉई आईडी 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129। ये एक साथ एक जैसे एम्प्लॉई आईडी क्यों है दोस्तों, आप समझ रहे हैं? इसलिए क्योंकि ट्रेनिंग टीम ने एचआर टीम ने जब इन लोगों को हायर किया है, न्यू रिसोर्सेज हैं, तब उन्होंने बैच बनाना है, तो वो सिक्वेंस में आईडी सबको एक साथ अलॉट कर दिए हैं, ठीक है। इनका नाम है अमर, शुभम, सारिका, सोनू, प्रिया, प्रिंस, देवनाथ, मीनू एंड निशांत एंड कौशिक, ओके। ये सब बैच 21 के लोग हैं, ठीक है, बैच 21 के लोग हैं। अब इनकी अटेंडेंस आप देखेंगे 1 फरवरी 2001 से, तो आप देखिएगा यहाँ पे डे फर्स्ट पे ये लोग हैं, तो 10 रिसोर्सेस हैं, लेकिन डे फर्स्ट पे ही एक एब्सेंट है जो कि नहीं आया है, ठीक है। आप देखिए बाकी सब लोग प्रेजेंट हैं, ये देवनाथ जो है ये एब्सेंट है, ये उस दिन प्रेजेंट नहीं है ड्यू टू एबीसी रीजन। इसने एचआर को बोला है कि कुछ मेडिकल इशू है या जो भी है, वो डे फर्स्ट से ही इन्होंने ट्रेनिंग में नहीं आए, ठीक है। तो डे फर्स्ट के दिन आपको पता है फ्रेंड्स कि किसी भी कंपनी में हम जब डे फर्स्ट में जाते हैं तो वहां पे एचआर इंडक्शंस होते हैं। एचआर इंडक्शंस में क्या बताते हैं, एचआर की पॉलिसी क्या है, कंपनी की पॉलिसी क्या है, किस तरह से वर्किंग आवर्स होंगे, किस तरह से वर्किंग एटमॉस्फेयर होगा, ठीक है। ये सब चीजें आपको डे फर्स्ट में इंडक्शन में बताया जाता है। साथ ही साथ आपकी जो पे आउट से रिलेटेड चीजें हैं, जैसे किस डेट को सैलरी आती है, ठीक है, अटेंडेंस कब से कब तक की बनाई जाती है, ठीक है, और आपकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चेक किए जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब कंपनी की पॉलिसी, वहां पे स्टाफ कैसा है, स्टाफ के बारे में थोड़ी बताया जाता है आपको कि ऑपरेशन में कौन है, सीनियर लेवल पे कौन है, ठीक है, किस तरह से टीम काम करती है, ये सब आपको एचआर इंडक्शन में बताया जाता है, ठीक है। तो डे फर्स्ट में आपको यहाँ पे बताया, अब जो ये देवनाथ एब्सेंट है, तो इन्होंने ये इंडक्शन मिस कर दिया, तो इनको या तो दोबारा से इंडक्शन कराया जाएगा कंपनी के एचआर के द्वारा, क्योंकि इंडक्शन कराना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने इंडक्शन मिस किया है तो समझ लीजिए आपको पॉलिसी और जो एटमॉस्फेयर है और ये बाकी सब कुछ चीजें भी आपने मिस की है, ठीक है। तो इंडक्शन बहुत जरूरी है, बहुत मस्ट है। अगर ये यहाँ पे आज प्रेजेंट नहीं है तो इनका इंडक्शन किसी दूसरे बैच के साथ कराया जाएगा, क्योंकि इंडक्शन तो सेम होता है, ठीक है, तो दूसरे बैच के साथ कराया जाएगा, पर इंडक्शन जरूर कराया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है डे फर्स्ट की अटेंडेंस, डे टू पे अटेंडेंस। और दोस्तों एक और चीज आपको बता दूं, अगर आप ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से हैं तो भी आपके लिए बहुत मस्ट और बहुत अच्छी वीडियो है, और अगर आप ट्रेनिंग में जाना चाहते हैं तो भी आप सीख लीजिए इसको, ठीक है। तो दोस्तों जब तक ये कोई भी बैच या कोई भी कैंडिडेट हमारे पास ट्रेनिंग में होते हैं, तो तब तक हम सारी जिम्मेदारी उसकी ट्रेनर की ही होती है, ठीक है। ट्रेनर को ही उसकी अटेंडेंस लगाना है, ट्रेनर को ही सारा अपडेट उसको एचआर टीम को देना है कि आज इतने लोग हैं, आज इतने एब्सेंट हैं, ऑपरेशन को एचआर को ट्रेनर को ही बताना है, ठीक है। जब तक ट्रेनर सर्टिफाइड जब तक कैंडिडेट सर्टिफाइड नहीं हो जाते तब तक सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ट्रेनर के अंडर होती है, ठीक है। तो डे टू पे हमने अटेंडेंस मार्क किया है एज ए ट्रेनर, तो अब सब लोग प्रेजेंट हैं, जो कल नहीं आए थे देवनाथ वो आज प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो अब इनका इंडक्शन किसी और दिन करा दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे कौशिक फिर से एब्सेंट हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये यूएल है, मतलब अनप्लान ली, मतलब कुछ बताया नहीं इन्होंने, एकदम से फोन स्विच ऑफ है, कुछ भी है, तो ट्रेनर ने इसको यूएल मार्क किया है। दोस्तों यूएल बहुत ही बैड इम्प्रेशन बताता है अटेंडेंस में, क्योंकि अनशेड्यूल लीव या अन इन्फॉर्म लीव, ओके। तो आप जो कहेंगे कि किसी को बिना बताए आपने जो छुट्टी लिया है, ठीक है, तो वो यूएल ही कहलाता है, ठीक है। वो बिना बताए आपने छुट्टी लिया, तो इसलिए इन्होंने यूएल मार्क किया। इन्होंने एब्सेंट भी मार्क कर सकते थे तब जब ये इन्फॉर्म करते तो, ठीक है। डे थ्री पे हमने अटेंडेंस किया, सब लोग प्रेजेंट हैं, कोई भी एब्सेंट नहीं है। डे फोर पे यहाँ पे पहले से इनका प्लान था, प्रिंस का इनका एग्जाम है, तो इन्होंने पहले लीव मार्क करा रखा है, ठीक है। तो इनका लीव है कि एग्जाम में हम किसी को नहीं रोक सकते, है ना, तो एग्जाम बहुत जरूरी होता है, तो बाकी कंपनीज के साथ डिपेंड करता है। अगर आप शॉर्ट लीव में काम चला सकते हैं तो आप
4 घंटे 3 घंटे में अगर नजदीक में ही आपका एग्जामिनेशन सेंटर है तो आप करके भी ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं, बट ये डिपेंड्स आपकी कोऑर्डिनेशन पे होता है ट्रेनर और एचआर टीम के साथ, ठीक है, क्योंकि तब तक आपकी रिपोर्टिंग ट्रेनिंग टीम को, और अगर फर्दर रिपोर्टिंग है तो आपको एचआर को कनेक्ट करना पड़ेगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग डेज, ठीक है। तो ये डे 5th पे हमने देख चेक किया ये सब लोग प्रेजेंट हैं, डे 6th पे हमने फिर चेक किया तो सब लोग प्रेजेंट हैं अगेन से, जो कॉसिक फर्स्ट टाइम पे जो यूएल थे जिन्होंने बिना बताए छुट्टी ली थी वो फिर नहीं आए हैं। डे 7 पे सबका वीक ऑफ है, ठीक है, सबका वीक ऑफ है तो इनका भी वीक ऑफ मार्क किया है हमने, ठीक है। अब डे 8 पे क्या हुआ, सब लोग प्रेजेंट हैं, सब लोग आए हैं आप देख लीजिए, लेकिन ये कौशिक अगेन फिर नहीं आए हैं, ठीक है। तो डे 9 पे भी ये नहीं आए हैं, तो इट मींस कि ये अब आने वाले नहीं हैं। तो डे 9 पे हमने क्या किया, डे 9 पे हमने जब चेक किया कि ये 8 में भी नहीं आए 9 में भी नहीं आए हैं, तो इनका जो वीक ऑफ था 7th का उसको हमने वीक ऑफ को हमने किस में यूएल में कन्वर्ट कर दिया अनशेड्यूल लीव में, ठीक है। जब यूएल में कन्वर्ट हो गया तो जब लगातार कोई 3 दिन तक बिना बताए किसी भी ऑफिस में एबसेंट रहता है तो एज पर कंपनी पॉलिसी, और ये डिपेंड भी करता है पॉलिसी टू पॉलिसी कंपनी टू कंपनी, ठीक है, तो 3 दिन ये लगातार नहीं आया तो 4th दिन इनको एबसेंट एब्सकॉन्ड मार्क कर दिया गया कि अब ये नहीं आने वाले हैं, क्योंकि ना तो ये रिस्पॉन्स कर रहे हैं ना ईमेल का फोन का किसी का भी जवाब नहीं दे रहे हैं। तो ट्रेनर ने ये मान लिया कि ये नहीं आने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। चूंकि ये डे 1, 2, 3, 4, 5 तक ये प्रेजेंट रहे हैं, 6 से ये नहीं आए हैं, तो अब यहाँ पे एचआर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, अगर डे 1 पे कैलकुलेट किया, डे 2 पे कैलकुलेट किया जाता है तो डे 1 तक जब एचआर ने हैंड ओवर किया है अगर उसी दिन से अगर कोई नहीं आने वाला है तो फिर वो एचआर टीम के अंडर में जाता है अट्रिशन। अट्रिशन तो दोस्तों आप जानते ही होंगे, अट्रिशन मतलब कि जो है किसी भी कंपनी में छोड़कर जाने वालों का एक परसेंटेज होता है उसको अट्रिशन कहते हैं। इसके लिए हमारी एक सेपरेट वीडियो है, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से उसमें आपको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स वही मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे ये अट्रिशन हो गया है। अगर सपोज ये डे 3 तक यहाँ तक अगर ये एब्सकॉन्ड हो जाते, जो मैं आपको बता रहा हूँ एब्सकॉन्ड अगर ये यहाँ पे हो जाते तो फिर ये एचआर के अंडर चले जाता, अगर क्योंकि हम डे 3 पे कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये गया है 5 में 6 दिन से, ठीक है, 6 दिन से, तो फिर ये एचआर के अंडर अब नहीं जाएगा, अभी ट्रेनिंग टीम के अंडर ये अट्रिशन जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे 10 लोगों की एक लिस्ट थी, ठीक है, ये 10 लोग थे, 10 लोग में से एक एब्सकॉन्ड हो गए हैं जो कि नहीं आने वाले हैं, और बाकी के हम लोगों का हमने यहाँ पे सर्टिफिकेशन किया है, जो ट्रेनिंग दी गई है ट्रेनर के द्वारा, ठीक है, जो सारे स्टेप्स और जो लेसन्स प्लान उनको बताए गए हैं वो सब उन्होंने पढ़ाए हैं, उनका बकायदा उनको पूछा गया है, फिर उनकी मॉक कॉल्स होती हैं। मॉक कॉल्स तो आप जानते होंगे दोस्तों, मॉक कॉल क्या होता है, ठीक है, मॉक कॉल्स मतलब कि जो आपको सिखाया जाता है उसी के बारे में ओरली पूछा जाता है मैनुअली, ठीक है, तो उसमें आप किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं क्या, तो एक प्री ट्रेनिंग होती है वो, ठीक है, प्री ट्रेनिंग होती है उसके बाद में फिर आपको ट्रेनिंग किया सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो देखिए ये जो अमर हैं वो सर्टिफाइड हो गए हैं, पासिंग स्कोर जो इनका 80% था वो 80% स्कोर उन्होंने किया है, ठीक है। शुभम सर्टिफाइड हैं, सारिका सर्टिफाइड हैं, सोनू सर्टिफाइड, प्रियंका सर्टिफाइड, प्रिंस जो हैं प्रिंस सर्टिफाइड नहीं है। अब पता नहीं क्यों इन्होंने या तो इन कम ध्यान दे पाए हैं या फिर कोई और प्रॉब्लम रही है, क्योंकि बीच में इन्होंने एक छुट्टी भी ली है, वो एग्जाम के लिए ली थी, हो सकता है इन्होंने एग्जाम पे फोकस किया है क्या किया है, तो ये नॉट सर्टिफाइड हैं, ये सर्टिफाइड नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देवनाथ देखिए, अब सर्टिफाइड हैं, लेकिन ये सर्टिफाइड कैसे हो सकते हैं, ये तो सर्टिफाइड नहीं क्योंकि ये तो एब्सेंट हैं, ये प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आप देखिएगा कि मैं आपको बताता हूँ ट्रेनिंग थ्रूपुट कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है। अब अगर एक्चुअल ट्रेनिंग थ्रूपुट की बात करेंगे तो ये आपके कितने लोग हैं, 9 लोग हैं, ठीक है,
नौ लोग हैं। डे थ्री पे आपके, डे थ्री के बाद से कैलकुलेट होता है, डे थ्री पे कितने लोग थे आपके, 10, ठीक है। तो आप देखेंगे ये 9 रिसोर्सेज आपके सर्टिफाइड हुए हैं, सॉरी 8 लोग सर्टिफाइड हुए हैं आउट ऑफ 10 में से, क्योंकि डे थ्री पे था। तो 80% आपका थ्रूपुट है, ठीक है, क्योंकि 8 लोग सर्टिफाइड हुए हैं 10 लोगों में से, है ना। तो 8 लोग सर्टिफाइड हुए 10 लोग में से, आप देख रहे हैं यहाँ पे डे थ्री पे, क्योंकि ये डे थ्री पे कैलकुलेट किया गया है। अगर डे वन पे कैलकुलेट किया जाएगा तो डे टू से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि डे वन एचआर का दिन होता है, एचआर ने आपको हैंड ओवर दिया है, इंडक्शन चल रहे हैं, इंडक्शन के बाद में जो आपको दिया गया है, सॉरी डे वन पे होगा तो यहीं से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि डे वन, डे फर्स्ट पे तो एचआर इंडक्शन लेते हैं, उसके बाद ही डे वन ट्रेनिंग का, ये ट्रेनिंग का दिन है, ये एचआर का दिन नहीं है, ये ट्रेनिंग का दिन है, फर्स्ट डे सेकेंड डे थर्ड डे। तो डे वन पे अगर किया जाएगा तो डे वन से कैलकुलेट करेंगे, तो डे वन पे भी हमारे पास 10 लोग थे, ठीक है, डे टू पे भी 10 थे, डे थ्री पे। अब चाहे आप डे वन से कैलकुलेट कीजिए, डे थ्री से, ये डिपेंड करता है कंपनी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 8 लोग ही सर्टिफाइड हुए हैं, ये लोग हैं 9, लेकिन एक नॉन सर्टिफाइड है, तो 8 लोग ही सर्टिफाइड हुए हैं आउट ऑफ 10 से, तो 80% यहाँ पे थ्रूपुट हो गया। लेकिन एक्चुअल जो होगा, ठीक है, एक्चुअल जो होगा, तो एक्चुअल क्या होगा आपका, एक्चुअल होगा 8/9, 9 लोग में से 89%, क्योंकि एक तो एब्सकॉन्ड हो गया, वो ऑलरेडी आपका नॉन डिसिप्लाइन कैंडिडेट था, वो पहले भी नहीं आया था, अभी ना बताए और फिर नहीं आया, तो एक्चुअल जो होगा वो 89% होगा, ठीक है। तो ये है ट्रेनिंग थ्रूपुट, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर ट्रेनिंग एंड क्वालिटी आती है, ठीक है। बाकी ये ऑपरेशन को भी रिपोर्ट किया जाता है कि थ्रूपुट क्या है, क्योंकि ये डिपेंड्स करता है, सपोज अगर 100 लोग आ रहे हैं तो 100 लोग में से कितने हमारे पास 100 रुपये प्रोडक्शन तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स प्रोडक्शन तक पहुंचने में ही अगर हमारे पास 80% हो जाएगा तो फिर पहले दूसरे तीसरे दिन जब प्रोडक्शन में जाते हैं तो कुछ लोग वहां से भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो वो जो रेशियो है और भी कम हो जाता है, मान लीजिए 60-65-70 तक हो जाता है, ठीक है, एक दो लोग वहां से भी छोड़ के अगर चले जाए। तो ये एक मेजरमेंट किया जाता है कि ट्रेनिंग थ्रूपुट मैक्सिमम रहे, ताकि प्रोडक्शन हेडकाउंट भी मैक्सिमम रहे और लोगों को हायर ना करना पड़े, है ना। तो अब दोस्तों, लेकिन अगर आप कहेंगे कि नॉन सर्टिफाइड हुआ है ये, तो अगर कंपनी पॉलिसी में है कि अगर नॉन सर्टिफाइड एजेंट को सर्टिफिकेशन के लिए, री सर्टिफिकेशन के लिए दोबारा से भेजा जाए, तो इन जो ये नॉन सर्टिफाइड है इनको नेक्स्ट बैच के साथ फिर से एक ट्रेनिंग, दोबारा से कुछ दिन की ट्रेनिंग देके और फिर इनको दोबारा से सर्टिफिकेशन इनका किया जाएगा, ठीक है। तो अगर फिर से सर्टिफाइड हो जाते हैं तो इनको फिर प्रोडक्शन पे मूव कर दिया जाएगा प्रिंस को, और नहीं होते सर्टिफाइड तो फिर इनको बोल दिया जाएगा कि आप जा सकते हैं, ठीक है। तो ये है ट्रेनिंग थ्रूपुट, ठीक है। अब दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे ट्रेनिंग थ्रूपुट मैंने आपको बता दिया है, ट्रेनिंग थ्रूपुट कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्यों जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे ट्रेनिंग डेज, तो दोस्तों जितने दिन तक हम ट्रेनिंग में रहे हैं, जितने दिन तक हमारा कैंडिडेट ट्रेनिंग में रहा है, उसको ट्रेनिंग डेज कहा जाता है, ठीक है, ट्रेनिंग डे। लेकिन दोस्तों आपको पता हो, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट मतलब ट्रेनिंग डेज में भी आपका जो पहले सैलरी जो कैलकुलेशन बताया है उन्होंने, पर डे आपको इतना मिलेगा, ठीक है। सपोज अगर 10,000 की सैलरी आपको या 20,000 की सैलरी आपको ऑफर किया गया है पर मंथ, तो अगर आपने 15 डेज अगर ट्रेनिंग में लिए हैं, तो अगर वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, कुछ लोग एक स्टिपेंड अमाउंट देते हैं और कुछ लोग कंप्लीट अमाउंट देते हैं, ठीक है, कंपनी टू कंपनी। तो अगर 20,000 आपकी सैलरी बताया गया, 15 डेज का आपका ट्रेनिंग है, तो आपको 10,000 रुपीज यहाँ पे आपको मिलेगा। लेकिन अगर वो कंपनी बोलती है कि आपको स्टिपेंड अमाउंट मिलेगा, स्टिपेंड अमाउंट मतलब कि कुछ सर्वाइवल अमाउंट लाइक ट्रेनिंग डेज के दौरान आपको मिलता है, ठीक है, जिसमें कि 5,000 हो सकता है, 6,000 हो सकता है, वो एक नॉमिनल अमाउंट है कि ट्रेनिंग डेज में आपको उतना अमाउंट मिलेगा, वो कंप्लीट सैलरी पे नहीं मिलेगा, ठीक है, तो फिर वो आपको दिया जाता है, तो उसी को हम ट्रेनिंग स्टिपेंड अमाउंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर ट्रेनिंग आपको पे आउट के अकॉर्डिंग आपको 10,000 मिलना चाहिए 15 डेज का, लेकिन कंपनी ने कहा कि जब तक आप ट्रेनिंग में रहेंगे तब तक आपको इतना अमाउंट मिलेगा, मतलब पर मंथ का, मान लीजिए अगर 6,000 बोल दिया तो पर डे का आपको 200 रुपीज और 15 डेज का 200 इंटू
आप लगा लीजिएगा, सॉरी पर मंथ का उन्होंने अगर 6000 बोला है, ठीक है, पर मंथ का 6000 बोला है, तो पर डे का आपका कितना अमाउंट आ गया, ठीक है, 6000 डिवाइडेड बाय 30 days, ठीक है, तो 200 rupees पर डे का आ गया। अगर आपने अगर इसको ट्रेनिंग को अटेंड किया 15 days या 11 days मान लीजिए, क्योंकि 10 days की ट्रेनिंग मैंने आपको दिखाई है, आपने 11 days अटेंड किया, तो 11 into यानी 2200 rupees आपको स्टिपेंड अमाउंट इसका मिलेगा। फिर आप जब सर्टिफाइड हो जाते हैं तो प्रोडक्शन में मूव हो जाते हैं, फिर आपकी जो एक्चुअल सैलरी है वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा हमारा ट्रेनिंग थ्रूपुट, ठीक है, का वीडियो। ये आपको बहुत हेल्प करेगा जब भी आप कभी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, या आपको सपोज अगर MIS में भी इंटरव्यू दे रहे हैं, या WFM में भी दे रहे हैं, या ऑपरेशन में भी दे रहे हैं, तब भी आपको पूछा जा सकता है ये सवाल इंटरव्यू में, ठीक है। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर बताएं, और लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें अगर आपको अच्छा लगता है ये वीडियो, ठीक है। दोस्तों आगे और भी वीडियोस के साथ मैं आपको आता रहूंगा, ठीक है, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए वीडियोस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।